इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वीवी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है पोर्च गार्डन का ओवरव्यू है। मैं आप पोर्च गार्डन के जो है सारे प्लांट आपको दिखाऊंगी एक एक करके। तो बरसात का सीज़न है, ग्रोथ भी अच्छी है प्लांट की। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्लांट लगे हुए हैं और किस किस की जो है ग्रोथ अच्छी चल रही है। तो सभी को एक एक करके मैं दिखाने वाली हूँ आपको पोर्च गार्डन के प्लांट्स। और सबसे पहले है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, और इसकी भी जो है बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है। और ये पर्पल हर्ट है और ये भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि जब जब बारिश होती है कभी कभी तो मैं इनको सभी को बारी बारी जो है बारिश में रख देती हूँ जब बारिश होती है। तो ये कोलियस के प्लांट हैं और इनकी भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। तो बारिश का पानी भी जो है प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो थोड़ी देर के लिए प्लांट्स को बारिश में रखना चाहिए। और ये वो अलग अलग तरह के कोलियस हैं और सिलोसिया कोक्सकोम के प्लांट हैं, और बहुत ही कलरफुल जो लुक है वो गार्डन में ऐड करते हैं। और यहाँ जो है एक घंटे की या आधे घंटे की धूप आती है, और इन प्लांट्स को इतनी ही धूप चाहिए होती है, तो क्योंकि तेज़ धूप होती है इन दिनों, तो इतनी ही इनके लिए धूप काफ़ी है। और ये देखिए सभी कलर के जो है कोलियस है मेरे पास, और ये देखिए बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ है। और जब पिंचिंग कर दो तो प्लांट जो है घना हो जाता है और साथ में न्यू न्यू इसकी ग्रोथ होती है और बहुत ही अच्छा लगता है प्लांट। तो पिंचिंग भी कोलियस की ज़रूर करनी चाहिए। और ये है कोक्सकोम का प्लांट, ये देखिए इसकी भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। और ये सिलोसिया, और ये है कलरफुल्स का एक कलरफुल एक कोना पोर्च गार्डन का। और इधर है क्रोटोन के प्लांट, और ये सबसे बड़ा वाला प्लांट है क्रोटोन का, गोल्डन डस्ट वाला, और इसकी भी इन दिनों बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। न्यू न्यू इस पर लीव्स आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी का सीज़न ही क्रोटोन का ग्रोथ का पीरियड होता है। और ये बैम्बू पाम है, कुछ अरेका पाम भी इसके साथ रखे हुए हैं, क्योंकि पाम को मैंने इकट्ठा करके ही रखा है जहाँ धूप इनको कम मिलती है, जहाँ अच्छी रोशनी दिन भर रहती है। और इनकी भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। और ये देखिए एक और क्रोटोन के कुछ प्लांट्स हैं, ये न्यू वाला है, और ये देखिए इसमें भी बहुत सारे न्यू न्यू लीव्स आ रही हैं, और इनकी भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है। जो मैंने न्यू प्लांट खरीदे थे क्रोटोन्स के, और ये भी एक गोल्डन डस्ट का ही प्लांट है जो मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ है। तो इनकी भी जो है न्यू न्यू ग्रोथ हो रही है। तो ये देखिए इनको भी ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, आधे एक घंटे की धूप मिल जाए तो ब्राइट लाइट पूरा दिन मिलती रहे तो ये अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं। और क्रोटोन की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है इन दिनों। और ये एक और जो न्यू वाला मेरा क्रोटोन्स का प्लांट है, इसमें भी देखिए न्यू न्यू लीव्स आ रही हैं और इसकी भी ग्रोथ अच्छी है। और ये देखिए इस तरह का हो गया ये प्लांट, और देखने में सुंदर भी लगता है क्रोटोन्स। और ये है फॉक्सटेल, इसमें भी जो है न्यू न्यू इसके जो है आ रहे हैं टहनियाँ। और ये है लैला मजनू का प्लांट, इसको भी मैंने जो है गमले में शिफ्ट कर दिया है, और ये भी बहुत छोटा सा प्लांट है, अभी ग्रोथ हो जाएगी इसकी। और ये जेड प्लांट है और इसकी मैंने बहुत सारी कटिंग कर दी थी, और न्यू लीव्स इस पर भी आ रहे हैं अभी। और ये देखिए ये है एस्पेरेगस फर्न, और इसको भी जो है दो तीन घंटे की धूप में आप रखोगे तो ये इसकी प्लांट की जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर किसी के पास इसका प्लांट है तो इसको ज़रूर दो चार घंटे की धूप में रखें। तो और ये डेवल्स बैकबोन है, और ये नॉर्मल वाला है, और ये देखिए पहले छत पर पड़ा था तो अभी मैं इसको नीचे ले आई हूँ, तो इसकी नीचे ग्रोथ अच्छी है क्योंकि इसको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है। और ये एस्पेरेगस है ये भी, और इसके भी न्यू न्यू लीव्स आ रहे हैं, और इसकी भी ग्रोथ अभी अच्छी है क्योंकि बरसात में प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। और ये चाइना पाम है और इसमें भी जो है एक न्यू लीव्स आया हुआ है अभी। और ये है वेरिएटेड वाला डेवल्स बैकबोन, और इसके साथ ही मैंने एक गिलोय की कटिंग लगाई थी, तो और ये देखिए वो भी उसमें ग्रोथ हो रही है। गिलोय की कटिंग इसके साथ मैंने लगाई हुई थी छोटी सी। तो ये स्नेक प्लांट है, और ये देखिए इसकी भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ है क्योंकि ये जहाँ पड़े रहते हैं यहाँ बरसात का पानी इनको मिलता रहता है। और ये फेरुकेरिया है, तो ये देखिए ये है एक फाइकस का प्लांट है, और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। तो इनको भी जहाँ एक आधे घंटे की धूप आती है यहाँ, और बरसात में भी पड़े रहते हैं ये यहाँ जब बारिश पड़ती है तो। और ये है शेफलेरा का प्लांट, और इसमें भी जो है न्यू न्यू लीव्स आ रहे हैं अभी।
तो इसको भी मैंने रखा हुआ है, बरसात का पानी इस पर भी गिरता रहता है और धूप भी मिलती है। और ये देखिए मनी प्लांट है और बहुत ही अच्छी इसकी भी ग्रोथ है। और ये देखिए छोटा जो मैंने कटिंग से ग्रो किया था सॉन्ग ऑफ इंडिया, और ये स्नेक प्लांट है और छोटे छोटे मैंने पॉट्स मैंने यहाँ रखे हुए हैं। सभी की ग्रोथ है बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि यहाँ दिन भर जो है अच्छी रोशनी रहती है और कुछ एक आधे घंटे के लिए धूप भी आती है। तो ये एक पाम है, ये दूसरा पाम है साइकस पाम और फिनिक्स पाम, और ये हैं सभी प्लांट। इस तरह से बरसात में जैसा भी प्लांट हो उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। और ये एक और है मेरा मनी प्लांट का गमला यहाँ रखा हुआ है, और ये देखिए जब से मैंने इसको स्टिक लगाई है खुद बना के तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। और ये देखिए पूरा गमला इसने भर लिया है। और ये विक्टोरिया ड्रेसिना का है, ड्रेसिना फ्रेग्रेंस भी कहते हैं इसको। और ये है एक और ड्रेसिना, और ये देखिए इसकी भी मैंने कटिंग की थी और इसकी भी न्यू ग्रोथ बहुत ही अच्छी, इसकी न्यू लीव्स आ रहे हैं। तो ड्रेसिना भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, ना ही ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा, सिर्फ ब्राइट लाइट जहाँ आती हो दिन भर वहाँ पर रख दीजिए, ड्रेसिना खुद ही ग्रो होते रहते हैं। और ये मेरा न्यू वाला ड्रेसिना का प्लांट है, और ये भी एक ड्रेसिना ही है, इसकी भी बहुत ही अच्छे न्यू जो लीव्स हैं वो आ रहे हैं। और ये देखिए मेरा पीस लिली का प्लांट है, और जब से मैंने इसको बाहर रखा है तो ये देखिए मैंने कल देखा तो इस पर फूल भी आ रहा है। अभी पहले मैंने इसको बिल्कुल इंडोर रखा हुआ था, तो अभी कुछ दिनों से मैंने इसको बाहर रख दिया है जहाँ पोर्च गार्डन में, यहाँ धूप नहीं आती है ज़्यादा, दिन भर अच्छी रोशनी रहती है। और मेरे ड्रेसिना के प्लांट है ये ग्रीन वाला, एक मैरून वाला, और ये कुछ और छोटे छोटे प्लांट रखे हुए मैंने मनी प्लांट के, सिंगोनियम के, तो यहाँ इनकी ग्रोथ अच्छी चलती रहती है। और ये भी एक ड्रेसिना ही है, इसकी भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ है इन दिनों। और ड्रेसिना ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और एक बहुत ही कलरफुल जो लुक है वो ऐड भी करता है साथ में, बहुत ही अच्छा एक इंडोर प्लांट भी है। और ये है क्रिसमस ट्री, और ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और इसकी ग्रोथ चलती रहती है, और इसको भी ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, एक आधे घंटे की धूप में ये ग्रोथ करता रहता है। ये मोर पंखी भी मैंने इधर ही रखा है, और ये देखिए इसकी भी ग्रोथ अभी हो रही है थोड़ी थोड़ी क्योंकि मैंने रिपोर्ट किया हुआ है। और ये गोल्डन साइप्रस है, दो गोल्डन साइप्रस है मेरे पास, ये एक दूसरा वाला है। और ये देखिए मैंने बीज से जो है लीची का प्लांट, लीची का मैंने एक बीज डाला था तो उसका प्लांट उगाया है। और ये देखिए साइकस, और ये फॉक्स टेल, यह पोनी टेल पाम, और इनकी सबकी जो है ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। और ये देखिए टर्टल वाइन जो बॉटल में मैंने लगाई हुई है और इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। और ये है बंटिंग जू, कुछ हवर्थिया के प्लांट रखे हुए हैं, जेड प्लांट है, ये भी हवर्थिया ही है। और ये देखिए पोनी टेल का प्लांट, और ये है सिंगोनियम, और इसकी मैंने कटिंग कर रखी है बहुत अच्छा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।